नमस्कार, वेब दुनिया के ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर सप्ताह की तरह हम लेकर आए हैं साप्ताहिक भविष्यफल, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका आने वाला सप्ताह कैसे बीतेगा। प्रतिदिन सुबह हम आपको दैनिक राशिफल की जानकारी देते हैं और अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस सप्ताह आपके कौन से काम आसान होंगे और आपको क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपका इस सप्ताह का शुभ अंक और शुभ रंग। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह। मेष, बचत का रास्ता अपना कर आप आर्थिक स्थिरता पा सकते हैं। आप अपने सच्चे कर्तव्य से भागने की कोशिश भी कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में कुछ संवेदनशील मुद्दों को लेकर गंभीर मामला हो सकता है। किसी करीबी के परिणाम से आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही उसका अनुमान था। आप खुद को फिट रखने में कामयाब होंगे। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 2 है। शुभ रंग है बैंगनी। वृषभ, आपको अपने जीवन के कुछ फैसले पर अफसोस हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पेशेवर मोर्चे पर आपको जल्द ही खुश होने का मौका मिलने वाला है। अच्छी आर्थिक स्थिति की वजह से आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के प्रति आपको संवेदनशील रहने की जरूरत पड़ सकती है। साथ साथ घूमने जाने से आपके रिश्ते की मिठास बढ़ सकती है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 11 है, जबकि शुभ रंग है पिच। मिथुन, कार्यस्थल पर आप किसी को गलती करते हुए पकड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा सख्ती करने से बचें। शैक्षणिक मोर्चे पर आपका तुक्का सटीक बैठ सकता है। सामाजिक मोर्चे पर कामयाबी मिलने की संभावना है। तय समय में आपको दिया हुआ काम आप पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। घर के किसी गुस्सेल सदस्य को शांत करने के लिए प्रयास करने की जरूरत हो सकती है। आपका शुभ अंक 9 है, जबकि आपका शुभ रंग है भूरा। कर्क, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए किनारे रखने की जरूरत है। जिस चीज की आपको बेहद चाहत थी वो आपको मिल सकती है। प्रेमी को लुभाने के लिए आपको नया और अनोखा ढंग अपनाना पड़ सकता है। परिवार के नौजवान का प्रदर्शन आपके लिए गर्व का कारण बन सकता है। वसा वाले भोजन से परहेज करने की जरूरत है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 8 है, जबकि शुभ रंग है मरून। सिंह, पेशेवर मोर्चे पर आपके प्रदर्शन को सभी की सराहना मिलने की संभावना है। शैक्षणिक मोर्चे पर आपका नाम रोशन हो सकता है। जीवन साथी के पूर्ण सहयोग से आपका पारिवारिक जीवन बहुत संतोषजनक रहने वाला है। कोई पुरानी बीमारी आपको वापस परेशान कर सकती है, लेकिन हिफाजत से इसे रोका जा सकता है। निवेश के लिहाज से बहुत सुनहरा मौका है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 6 है, जबकि शुभ रंग है स्लेटी। कन्या, जिस तरह आप ऊंचे दर्जे के ग्राहकों को लाने में कामयाब हो रहे हैं, पेशेवर मोर्चे पर आपका ओहदा बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर आपके अच्छे काम की सराहना हो सकती है। शैक्षणिक मोर्चे पर आपकी कड़ी मेहनत का सुनहरा परिणाम मिलने की संभावना है। आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। जिस तरह आप अपनी सेहत को लेकर सजग है, उसे स्वास्थ्य उत्साहजनक रहेगा। आपका शुभ अंक 2 है, जबकि शुभ रंग है बैंगनी। ये वक्त है कुछ कर दिखाने का। आप अपनी पहचान बना सकते हैं। आप अपने माहौल को सामान्य बनाने में सफलता पा सकते हैं। आसपास के लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए आप सफल प्रयास कर सकते हैं। समूह में घूमने जाना काफी रोमांचक साबित होने वाला है। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 18 है, जबकि शुभ रंग है बैंगनी। वृश्चिक, कोई बड़ा आयोजन होने की संभावना है, जिसमें आपका खर्च हो सकता है। प्रेमी के सहयोग की वजह से आपका आत्मविश्वास वापस आ सकता है। आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए किस्मत आजमा सकते हैं। अच्छी आमदनी के भी संकेत है। नौकरी पेशा में शुभ समाचार मिल सकता है। शैक्षणिक मोर्चे पर मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य तंदुरुस्त और ऊर्जावान बना रहेगा। आपका शुभ अंक 1 है, जबकि शुभ रंग है हरा। धनु, पेशेवर मोर्चे पर किसी के प्रतिशोध का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। जो लोग शेयर और व्यापार के काम में लगे हैं, उनकी आमदनी अच्छी हो सकती है।
दूसरों के साथ सामान्य से अधिक संपर्क में रहने वाले अपनी अच्छी पहचान कायम कर सकते हैं। शैक्षणिक मोर्चे पर आपकी सराहना संभव है। जो लोग खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा वापस आ सकती है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 4 है, जबकि शुभ रंग है गहरा पीला। मकर, किसी के साथ तालमेल बिठाना कार्यस्थल पर आपका काम आसान कर सकता है। दोहरा चरित्र रखना आपकी अप्रतिष्ठा का कारण साबित हो सकता है। खुलकर राय देने में सावधानी रखें, आपकी बेबाकी किसी का दिल दुखा सकती है। जिस चीज पर आप दावा कर रहे हैं, संभव है वो आपकी ना हो। प्रेम संबंध में मजबूती आने की संभावना है। आपका शुभ अंक 17 है, जबकि शुभ रंग है हरा। कुंभ, यदि आप अपने काम में बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते, तो आपको अपने काम में परख कर बेहतर लोगों को रखना होगा। किसी के साथ आपकी बातचीत बंद है, आप उस दूरी को खत्म कर संबंध सुधार सकते हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ही सही रास्ते पर आ सकती है। रोमांटिक मोर्चे पर आप प्यार और स्नेह की कमी महसूस करेंगे। लंबी दूरी जाने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करने में समस्या आ सकती है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 3 है, जबकि शुभ रंग है नीला। मीन, कार्यस्थल पर वरिष्ठ का मूड खराब हो सकता है, दूरी बनाकर रखना हितकर होगा। किसी घरेलू मुद्दे पर नरमी का रुख रखना सही नहीं। घर में कोई नौजवान अप्रत्याशित रूप से आपको परेशान कर सकता है। आपके पास करियर को आगे बढ़ाने का सही मौका है, नई शुरुआत कर सकते हैं। उम्र में छोटे व्यक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ने की संभावना है। आप में से कुछ लोगों को आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपका शुभ अंक 5 है, जबकि शुभ रंग है फिरोजी। तो ये था आपका साप्ताहिक भविष्यफल। आपका ये सप्ताह कैसे बीतेगा, ये अधिक विस्तार पूर्वक जानने के लिए बस आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट webdunia.com पर, या आप नीचे दी गई लिंक पर विजिट करें, जहाँ भविष्यफल के साथ ही आपका दिन और आपका सप्ताह मंगलमय हो, इसके लिए कल्याणकारी उपाय भी बताए गए हैं। इसी तरह रोजाना सुबह अपना दैनिक भविष्यफल भी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।